हेलो दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका बाइंडी ट्यूब प्रयागराज यूट्यूब चैनल पे। और आइए आज हम लोग बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो क्या होता है इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो क्या करता है, डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को सेंड करता है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस में। फर्स्ट पॉइंट है आपका माउस। तो माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस इज मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस एज वेल एज इनपुट डिवाइस। तो माउस एक मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है और साथ ही साथ एक इनपुट डिवाइस भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस। और साथ ही साथ क्या है, ये फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। इट मींस जो भी वर्क करता है उस कर्सर की हेल्प से करता है। और यहाँ पे जो पॉइंटिंग डिवाइस की बात आ रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक एरो मिलता है और ये जो एरो है इसी की वजह से इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि ये जो वर्क करता है इस शेप के अंदर ही करता है। ये जो एरो बना रहता है, यहाँ तक का एरिया अगर किसी फोल्डर किसी आइकन पे विजिट करने के बाद आप उस पर क्लिक करते हैं तो किसी भी वर्क को वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनरली इट हैज टू बटन्स कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट बटन। नॉर्मली इसमें दो बटन होती हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, जिसको हम लोग लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक के नाम से भी जानते हैं। एंड अ व्हील इज प्रेजेंट बिटवीन द बटन्स। और एक व्हील होती है जो दोनों बटन या दोनों क्लिक के बीच में प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। माउस कैन बी यूज टू कंट्रोल द पोजिशन ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन। तो माउस के हेल्प से स्क्रीन पे क्या करते हैं हम लोग, कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं तो माउस का जो कर्सर होता है उसी के हेल्प से हम किसी फोल्डर को किसी फाइल को उस क्लिक के थ्रू ओपन करते हैं। बट इट कैन नॉट बी यूज टू इंटर टेक्स्ट इन टू द कंप्यूटर। लेकिन इसके हेल्प से किसी टेक्स्ट को कंप्यूटर में इनपुट नहीं कर सकते। अगर किसी टेक्स्ट को इनपुट करना है तो हम लोग कीबोर्ड के हेल्प से कोई भी टेक्स्ट इनपुट करते हैं। अब अगर बात करें हम लोग टाइप्स ऑफ माउस की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माउस। माउस दो टाइप के होते हैं। अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज हेल्ड इन वन हैंड एंड इज मूव्ड अक्रॉस अ फ्लैट सरफेस। अ टिपिकल माउस हैज टू और थ्री बटन्स। तो माउस क्या है, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसको हम लोग एक हाथ से पकड़ के मूव करा के किसी भी वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। और इसको यूज करने के लिए एक फ्लैट सरफेस की जरूरत होती है। अ टिपिकल माउस हैज टू और थ्री बटन। एक टिपिकल माउस में दो या तीन बटन होती हैं। यहाँ पे अगर टाइप की बात करें तो दो टाइप के माउस होते हैं। आपका पहला है एनालॉग माउस, दूसरा है ऑप्टिकल माउस। एनालॉग माउस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मैकेनिकल माउस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस को हम लोग इलेक्ट्रिकल माउस के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, एनालॉग माउस का माउस की पिक्चर दिख रही होगी। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉल दिख रहा होगा। इट मीन्स ये जो वर्क करता है इस बॉल के मूव करने पे करता है, जो हम लोग का मैकेनिकल माउस होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें ऑप्टिकल माउस या इलेक्ट्रिकल माउस की, तो यहाँ पे ये जो वर्क करता है ये इस लेजर लाइट के बेस पे। इसका मतलब जैसे ही इसको लाइट को सरफेस को ढकेगा और मूव कराएंगे तो ये उसका पॉइंटर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। टेक्निक्स फॉर यूजिंग अ माउस। अ माउस को यूज करने के अलग अलग टेक्निक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंटिंग। तो पॉइंटिंग का मतलब क्या होता है, समझ लेते हैं उसके बारे में। इट मीन्स टू मूव द कर्सर टू द आइकन और अ मेनू आइटम। तो पॉइंटिंग का मतलब ये होता है, आप कर्सर को मूव कराते हैं किसी आइटम पे या फिर किसी आइकन पे या फिर किसी मेनू आइटम पे। तो किसी फोल्डर को ओपन करना है तो आपको क्या करते हैं, वहां पे पॉइंटिंग के थ्रू उसका यूज करते हैं। पहले उसके पॉइंटर को लेके जाते हैं उस फोल्डर के पास, फिर उस फोल्डर पे क्या करते हैं, ये आपका एरो विजिट करता है वहां पे। और जैसे ही ये एरो वहां पे विजिट करता है आप क्लिक करते हैं तो कुछ वर्क परफॉर्म हो रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लिकिंग।
इट मीन्स टू प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन वंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप उसको क्लिक करके यूज करते हैं। हम अगर सीधे से कहें तो यहाँ पे क्या होता है, दो क्लिक होता है, एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है। तो लेफ्ट क्लिक करने पे उसका भी प्री डिफाइंड एक फंक्शन है, मतलब आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो वो सारी चीजें जो पहले से फिक्स की गई हैं वही ऑप्शन ओपन होते हैं। आप राइट क्लिक करते हो तो वही ऑप्शन ओपन होते हैं। तो लेफ्ट क्लिक करने पे क्या होता है, अगर आप किसी फोल्डर या फाइल पे लेफ्ट डबल क्लिक करते हो तो वो क्या होता है, वो फोल्डर या फाइल ओपन हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में क्या होता है, अगर राइट क्लिक करते हो किसी फोल्डर पे तो आपको अलग अलग मेन्यू ओपन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओपन, रिफ्रेश या फिर और भी चीजें ओपन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डबल क्लिकिंग, इट मीन्स टू प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस इन रैपिड सक्सेशन। तो हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करके भी उसके अलग अलग फंक्शन से परफॉर्म कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है ड्रैगिंग, इट मीन्स टू होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एज यू मूव द पॉइंटर। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना होता है तो वहां पे हम लोग ड्रैगिंग टेक्निक का यूज करते हैं। क्लिक करते हैं उसको और एक जगह से दूसरी जगह जैसे ही हम उसको ड्रैग करते हैं तो वो फोल्डर या फाइल वहां से मूव होकर दूसरी जगह फिक्स हो जाती है। एंड लास्ट है राइट क्लिक, इट मीन्स टू प्रेस एंड रिलीज द राइट क्लिक माउस बटन। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके भी जो भी उसके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं वो ओपन होते हैं, और ओपन होने के बाद हम उनमें से जिस पे भी वर्क करवाना चाहते हैं, जिस पे कोई एक्शन लेना चाहते हैं लेते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें। धन्यवाद।